तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद को लेकर हुए विवाद पर अब कोर्ट ने एक और बड़ा और अहम फैसला लिया है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। दरअसल प्रसाद विवाद वहां से शुरू हुआ था जब प्रसाद में इस्तेमाल किए गए घी की रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी कि उसमें जानवरों की चर्बी, मछली के तेल जैसे तत्वों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो भी हिंदू भक्तों के लिए, आस्था रखने वाले उन श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही आस्था को आहत कर देने वाला ये विषय था। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और न्यूज 18 के इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विस्तारपूर्वक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तिरुपति प्रसाद विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला लिया है? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक नई SIT का गठन किया है और इस SIT में 5 सदस्य शामिल किए गए हैं, जिसमें 2 CBI, 2 स्टेट पुलिस यानी आंध्र प्रदेश पुलिस के अधिकारी और 1 FSSAI का अधिकारी शामिल होगा। आपको बता दें कि ये कोर्ट के द्वारा लिया गया वो निर्णय है, जिसमें हालांकि कोई बाध्यता नहीं रहेगी। कोर्ट ने इस दौरान क्या कुछ सवाल किए, केंद्र सरकार से क्या सवाल किए गए, राज्य सरकार की SIT को क्यों निरस्त किया गया, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि वहाँ पर बने हुए लड्डुओं को सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी करते हुए कहा था कि जब तक भगवान को भोग नहीं लग जाता तब तक वो सिर्फ एक मिठाई है, एक लड्डू है, प्रसाद नहीं। प्रसाद वो भगवान को भोग लगने के बाद बनता है। हालांकि वहाँ पर बनने वाले जो सभी लड्डू हैं वो भगवान को भोग लगाने के ही उद्देश्य से बनाए जाते हैं और वहाँ पर इसके अलावा उन लड्डुओं का भला और क्या उपयोग। लेकिन अब इस पूरे विषय को लेकर कोर्ट ने जो गठन किया नई SIT का, उससे पहले राज्य की SIT को लेकर कोर्ट के द्वारा इस पर बातचीत के दौरान, चूंकि ये जो पूरा मामला है इस वक्त जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ सुनवाई कर रही थी, और इस सुनवाई के दौरान चूंकि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने SG तुषार मेहता से पूछा था कि क्या राज्य सरकार की SIT काफ़ी है, इसके बाद अब चूंकि SIT पुरानी SIT को निरस्त कर दिया गया है जो राज्य सरकार के द्वारा के अंडर में काम कर रही थी, जबकि अब नई SIT जो है जिसमें 5 बड़े अधिकारियों को रखा गया है, 2 CBI से, 2 आंध्र प्रदेश पुलिस और 1 फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से, और इसके अलावा स्वतंत्र जांच एजेंसी को जांच सौंपे जाने के विषय में भी कोर्ट में सवाल जवाब हुए थे, और इस बारे में भी अब अंततोगत्वा निर्णय ये लिया गया कि SIT इस पूरे मामले की जांच करेगी। SG तुषार मेहता ने ये कहा था कि राज्य के जांच पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन निगरानी के लिए जो नेतृत्व है वो केंद्र को सौंपा जाना चाहिए। इसके पीछे के तथ्यों को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा जो SIT गठित की गई या SIT जो जाँच करेगी वो अपने स्तर पर अपने स्वायत्त तरीके से जांच करेगी, और उसकी रिपोर्ट को लेकर क्या सभी उस पर विश्वास कर सकते हैं, क्या वो प्रासंगिकता या फिर उस रिपोर्ट को सर्वसामान्य स्वीकार करने योग्य वो रिपोर्ट मानी जाए या न मानी जाए, इसलिए केंद्र के नेतृत्व में उसकी निगरानी की बात यहाँ पर SG तुषार मेहता द्वारा कही गई थी। और चूंकि इसमें ये भी बताया गया है कि जब सुनवाई चल रही थी तो इस दौरान जस्टिस गवई ने कहा था कि हम स्वतंत्र SIT का सुझाव देते हैं, जिसमें अब 2 CBI के सीनियर अधिकारी होंगे, इसके अलावा आंध्र प्रदेश पुलिस के 2 सीनियर ऑफिसर्स होंगे, और इसके अलावा FSSAI यानी खाद्य सुरक्षा विभाग, जो भारतीय सभी खाद्य मामलों की जाँच को अपने दायरे में रखता है, और इस पूरे मामले में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण इस पूरे मामले की निगरानी करेगा, और इस SIT में उस टीम का वो हिस्सा भी रहेगा। बहरहाल अब इस जांच में कितने तथ्य और शामिल किए जाएंगे और जांच को क्या किसी क्राइटेरिया में तय किया गया है, क्या कोई बॉन्ड में ये बंधा हुआ है, इस बारे में कोर्ट में उस दौरान इस पूरे मामले पर जिरह कर रहे वकील से हमारे सहयोगी ने बात की, शंकर आनंद ने क्या कुछ बातचीत की, एक बार उसका एक अंश आपको सुनवाते हैं। तिरुपति मंदिर से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई और इसके बाद कोर्ट के द्वारा एक स्वतंत्र SIT बनाने का फैसला लिया गया। किस तरह से आज कोर्ट में सुनवाई हुई इस मामले को समझते हैं। शिवम प्रताप जी हमारे साथ में हैं, सत्यम सिंह राजपूत जी हमारे साथ में हैं। सर, ये मैं जानना चाहता हूँ कि आज कोर्ट में काफी महत्वपूर्ण आज सुनवाई हुई, कोर्ट का बड़ा महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन आया, इसको आप कैसे देखते हैं और कोर्ट के क्या ऑब्जर्वेशन? देखिए, ये तो हमारा पहला प्रेयर ही ये था कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए थी, जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा जो भी हो, बट उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आज उस हमारे प्रेयर को एक्सेप्ट भी किया है। आज उसमें जो है 5 मेंबर्स की एक बॉडी बनाई है जो इंडिपेंडेंट SIT होगी। पुरानी SIT को निस्तारित किया जाएगा, नई SIT में 2 लोग जो है CBI से होंगे, 2 लोग स्टेट पुलिस से होंगे, और जो है 1 जो है फूड सेफ्टी अथॉरिटी से होगा। और साथ ही साथ जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि इसको पॉलिटिकल कलर ना देते हुए
करोड़ों लोगों की आस्था को प्रोटेक्ट करते हुए इस एसआईटी का गठन किया गया। इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया, जो भी रिपोर्ट आएगी वो सेंट्रल एजेंसी को सौंपी जाएगी, और अगर मीनवाइल कुछ अगर किसी भी तरीके की कोई घटना होती तो सुप्रीम कोर्ट ने ओपन रखा है कि अगर कुछ भी होता है तो आप हमें वापस अप्रोच कर सकते हैं। तो जैसे इस मामले पर जब सुनवाई होगी और आने वाले दिनों में जिस तरह से इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ेगा, और अगर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी निकल के आती है या किसी के खिलाफ कुछ अगर महत्वपूर्ण सबूत मिलते हैं, तो क्या फिर उसके बाद आपको कोर्ट में किस तरह से आप लोग अपील करेंगे या किस तरह से एसआईटी अपील करेंगे? एसआईटी गठित जब कर दी गई है तो जो भी एक्शन होगा, जिस तरीके से भी एक्शन होगा, वो इंडिपेंडेंट एसआईटी लेगी। अगर कोई भी उसमें दोषी पाया जाता तो उसके खिलाफ जो है क्रिमिनल एक्शन प्रोसीड किया जाएगा। एसआईटी अगर चल रही है, जब तक जो काम एसआईटी बनाई ही इसीलिए गई है कि जिस भी तरीके से कोई भी अगर कोई भी दोषी पाया जाता है तो उनके खिलाफ एसआईटी जो है फ्री है एक्शन लेने के लिए, उनके खिलाफ एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग तय की जाएगी, जो भी नियमानुसार जो भी किया होगा वो तय किया जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक किसी राज्य का नहीं बल्कि राज्य का नहीं केंद्र का नहीं बल्कि एक स्वतंत्र एजेंसी, ये एक स्वतंत्र एजेंसी है जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए बना दिया कि किसी भी तरीके से कोई मतलब किसी का पक्ष ना हो सके। दो लोग स्टेट से होंगे, दो लोग सेंटर से होंगे, एक फूड सेफ्टी अथॉरिटी से होगा, तो जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी और निष्पक्षता भी रहेगी। जो सीबीआई के दो अधिकारियों की बात है, उसकी नियुक्ति या उस किसका चयन जो है सिर्फ वो सीबीआई डायरेक्टर करेंगे या वो पूरा मॉनिटर भी करेंगे? देखिए, सीबीआई डायरेक्टर जो है सिर्फ मेंबर्स अपॉइंट करेंगे, स्टेट पुलिस स्टेट अपॉइंट करेगी, उसके बाद जो है सारा जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपा जाएगा रिपोर्ट, और उसके बाद जो है आगे देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरह से प्रसाद में मिलावट से जुड़े मामले पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और इस मामले को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार सुनवाई चल रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है और एक स्वतंत्र एसआईटी का गठन करने का फैसला लिया गया है। अब देखना लाजमी होगा कि इस मामले में जब यह स्वतंत्र एजेंसी काम करेगी तो किस तरह से तफ्तीश की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो इस बातचीत से साफ है कि ये जो पूरा प्रकरण है इसमें कोई टाइम बाउंड नहीं है कि एक निश्चित समयांतराल या समयावधि के अंदर आपको सरकार को या कोर्ट को रिपोर्ट सौंपनी है। टीम का गठन कर दिया गया और सभी परिस्थितियों को देखते हुए टीम इस बारे में निर्णय लेगी कि जांच में जो तथ्य सामने आए हैं, जो रिपोर्ट सामने आई है, उसके आधार पर कहां पर किस स्तर पर गलती हुई और किसकी गलती है इसमें और कौन इसके लिए पापी है, कौन दोषी है, ये सभी जो तथ्य हैं रिपोर्ट सामने आने के बाद कोर्ट में जब वो रिपोर्ट सबमिट की जाएगी उसके बाद ये निर्णय कोर्ट लेगा। बहरहाल अभी की स्थिति ये है कि अभी जो लड्डू वहाँ पर बिक रहे हैं वो यथावत बिक रहे हैं, उसमें ना किसी तरह की कोई रोक है, और अभी जांच के बाद ज़रूर लोग थोड़ा सतर्क हो गए हैं, थोड़ा सचेत इस बारे में हो गए हैं, वो अपने विवेक के अनुसार वहाँ पर प्रसाद चढ़ाने के लिए लड्डू लेकर जा रहे हैं। हालांकि वहाँ पर चूँकि बालाजी का जो, यदि आप कभी मंदिर वहाँ तिरुपति जी दर्शन करने गए हों तो वहाँ पर ऐसा बहुत कम संभव है कि आप बाहर से कुछ ले जा सकें, हालाँकि वहाँ पर जाकर आप वहीं के लड्डू को प्रसाद के लिए इस्तेमाल करने के लिए एक चूँकि आस्था भी जुड़ी हुई होती है और वहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए वही लड्डू हमें लेने पड़ते हैं। ऐसे में कुछ एक विषय और भी हैं जिन पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। आपको क्या लगता है कि इस बारे में किस विषयों पर किन परिस्थितियों में क्या विचार किया जाना चाहिए और क्या सरकार को या कोर्ट को इस बारे में सोचना चाहिए? हालांकि कोर्ट इस बारे में निर्णय क्या लेगा ये तो कोर्ट के अधीन है, इस बारे में हम कुछ ज़्यादा बात नहीं कर सकते, लेकिन सरकारों की तरफ से और जो मंदिर प्रबंधन है उन्हें क्या इंतज़ाम करने की आवश्यकता है, इस बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका वेलकम रहेगा।